हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजी इंस्टीट्यूट में। तो आज हम सीखने वाले कि आप किस प्रकार से एमएस वर्ड में हर एक पेज पे अलग अलग वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको हर एक पेज पे अलग अलग वाटरमार्क लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, तो आज हम यही सीखने वाले इस वीडियो में। तो अगर आपको कुछ नया सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल AGE Institute को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप इसी तरीके से नई नई वीडियोस देख पाएं सबसे पहले। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपको हर एक पेज पे अलग अलग वाटरमार्क अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल रेंड, और यहाँ पर हम कुछ पैराग्राफ्स इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 25 पैराग्राफ्स ले लेते हैं, तो हम इसके अंदर लिखेंगे 25। आपको जितने भी पैराग्राफ चाहिए वो इस ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो अब हमारे पास 3 पेज आ चुके हैं। तो अभी आप देख पा रही है यहाँ पर 3 पेज हमारे यहाँ पर फिल हो चुके हैं। और अब अगर अब यहाँ पर हम जैसे कोई भी वाटरमार्क अप्लाई करते हैं तो वाटरमार्क के लिए आपको पेज लेआउट मेन्यू में आना है और वाटरमार्क पे आना है। अगर अब फिर आपको आना है कस्टम वाटरमार्क पे, तो आपको अगर टेक्स्ट का चाहिए तो आप यहाँ से टेक्स्ट लगा लीजिए, अगर आपको पिक्चर का चाहिए तो आप पिक्चर पे क्लिक कीजिए। तो हम चाहते हैं टेक्स्ट वाटरमार्क पे। अब यहाँ से आपको किस नाम से चाहिए, आपको क्या लिखना है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं AGE इंस्टीट्यूट, तो हमने यहाँ पर AGE इंस्टीट्यूट लिख दिया। कौन सी लैंग्वेज चाहिए वो यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। साइज कितना होना चाहिए, अगर आप चाहते हो अपने अनुसार रहना चाहिए तो ऑटो रखिए, और कोई अगर आप अपने अनुसार साइज देना चाहते हैं तो यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लीजिए। कलर किस कलर में लिख करके आना चाहिए, तो हम इसको कर देते हैं रेड। अब लेआउट क्या होना चाहिए, डायगोनल आना चाहिए या हॉरिजेंटल, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आना चाहिए, तो आप डायगोनल रखिए। तो अब जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे और क्लोज करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो डायगोनल आ गया एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। अगर आप चाहते हो कि हॉरिजेंटल में होना चाहिए तो आप इसको हॉरिजेंटल लगा दीजिए, तो यहाँ से आप अप्लाई करोगे तो ये हॉरिजेंटल में हो गया। तो आपको जिस भी प्रकार का वाटरमार्क चाहिए, जिस भी स्टाइल में, लेआउट में, वो यहाँ से आप लेआउट सेट कर लीजिए। अगर आप चाहिए तो थोड़ा आपको धुंधला नजर आ रहा है, इसको थोड़ा डार्क करना है तो सेमी ट्रांसपेरेंट को हटा दीजिए और अप्लाई कीजिए, तो ये और डार्क हो चुका है। तो यहाँ से अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हमारे हमने लगाया तो एक पेज में, लेकिन ये सभी पेजेस में ये लग चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि इस पेज में अलग प्रकार का वाटरमार्क होना चाहिए, इस वाले पेज में हम अलग 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 प्रकार का वाटरमार्क अप्लाई करें, यानी हर एक पेज में अलग अलग प्रकार का वाटरमार्क अप्लाई करना है, तो आप कैसा करोगे। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि ये जो हमारे पेजेस हैं इन पर आपको अलग अलग वाटरमार्क कैसे अप्लाई करना है। तो ये जितने भी पेज होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले हमें इन सभी को डिस्कनेक्ट करना है। तो अगर आपको जानना है कि आपके ये पेज एक दूसरे से कनेक्ट है या डिस्कनेक्ट है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको होम पे आना है और हाइड एंड शो वाले जो आपको सिंबल नजर रहा है आपको इस पे क्लिक कर दें। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सिंबल लग चुके हैं। अब यहाँ पर जो सिंबल बने हुए ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक लगा हुआ, यहाँ पर, इनका मतलब है कि यहाँ पर आपका ये पैराग्राफ खत्म हुआ, फिर यहाँ पर ये पैराग्राफ खत्म हो गया। तो अब आपको क्या करना है, तो इतना करने के बाद में आपको सबसे पहले हम इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमको ये तीनों पेज नजर आए। तो हमने यहाँ से इसको जूम आउट कर दिया, 50 कर दिया। अब हमको यहाँ पर तीनों पेजेस नजर आ रहे हैं, तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमको कुछ नहीं नजर आ रहा। तो आपको क्या करना है, इतना करने के बाद में आपको हेडर पर डबल क्लिक करना है। जैसे हेडर पर डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पर हेडर और फोटर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारे हाइड और शो वाला सिंबल लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, अभी यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा और यहाँ पर भी। तो इसका मतलब ये पेज अभी हमारे एक दूसरे से कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम इनको ब्रेक कर देते हैं। तो पेज ब्रेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फिर से आप इस पर डबल क्लिक कीजिए पेज के अंदर। तो हमने क्लिक कर दिया और ये हेडर फोटर हट चुका है। तो अब आपको पेज के लास्ट में क्लिक करना है जहां पर भी आपका लिखा हुआ है, फिर आपको आना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आने के बाद में आपको यहाँ पर ये ब्रेक्स का मिलेगा ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक करना है और आपको नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला जो हमारा पेज है इससे ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे ये सेक्शन ब्रेक नजर आ रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर ये डॉट डॉट आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा पेज अब
इस वाले पेज से डिस्कनेक्ट हो गया, इसका मतलब ये ब्रेक हो गया। तो ऐसे ही आपको जितने भी पेजेस हैं उनके आगे बिल्कुल लास्ट में कर्सर रखना है आपको, और आपको आना ब्रेक्स पे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर भी आपको डैश नजर आने लग गया, इसके आगे भी हम कर्सर रखेंगे और इसको भी यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें लिख के भी आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी एरिया नहीं छुटा हुआ, पूरा फील्ड है यहाँ पर, ये एरिया काफी छुटा हुआ, तो यहाँ पर लिख के आ रहा है सेक्शन ब्रेक। तो ऐसे ही आपके जितने भी पेजेस हैं इन सभी को आपको यहाँ से सेक्शन ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करने के बाद में अब आपको हेडर पर डबल क्लिक करना है। आप जैसे हेडर पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हेडर और फुटर एक्टिवेट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये सभी हमारे पेजेस हैं वो एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ से भी आप नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर लिखा है लिंक टू प्रीव्यू, यानी ये वाला एक दूसरे से प्रीव्यू, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये हट गया यहाँ से। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी भी यहाँ पर ये भी पेज हमारा कनेक्ट नजर आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो अभी ये हट गया। अब आपको क्या करना है, अब अगर आपको इसमें कोई दूसरा पकड़ का लगाना है, तो यहाँ पर आप जैसे कर्सर लगाओ तो यहाँ पर ये चार एरो नजर आ रहे हैं इसके ऊपर, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको आना है फॉर्मेट में, और यहाँ पर लिखा है एडिट टेक्स्ट, आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो भी आपको वाटरमार्क का नाम देना है या जो भी लगाना है वो यहाँ पर आप लगा सकते हो, अगर आपने टेक्स्ट लिख रखा हुआ है तो। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लिख देते हैं सन, तो हमने यहाँ पर लिखा सन इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर देते हैं हम ओके करेंगे तो यहाँ पर ये सन इंस्टीट्यूट हो गया, यहाँ पर एजी इंस्टीट्यूट हो गया। अब अगर आपको इसमें कोई दूसरा लगाना है तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पर चार एरो आ रहे हैं, आपको उस पर क्लिक करना है और एडिट टेक्स्ट में फिर से आ जाइए, और यहाँ पर आपको जो भी नाम डालना है वो यहाँ से आप नाम डाल दीजिए। तो इसको मान लीजिए हम सिर्फ इंस्टीट्यूट ही रखना चाहते हैं, और यहाँ पर जैसे हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर ये सिर्फ इंस्टीट्यूट हो गया, ये सन इंस्टीट्यूट हो गया, और ये एजीई इंस्टीट्यूट हो गया। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये अलग 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 पेजों में अलग अलग प्रकार का वाटरमार्क अप्लाई हो गया है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, और आपको फॉर्मेट में आना है, आपको ध्यान रखना है आपका हेडर और फुटर ये एक्टिव रहना चाहिए, तभी आप इस प्रकार से इनको चेंज कर पाओगे। पर आपको शेप फिल में आना है, आपको यहाँ से जो भी इसका कलर देना है वो यहाँ से कलर दे सकते हो। अब अगर आपकी इस आउटलाइन का भी कलर देना है तो आप यहाँ से इसकी आउटलाइन का कलर दे सकते हो, आपको जो भी आउटलाइन का कलर देना है। अगर आपको इसका स्टाइल चेंज करना है तो आप चेंज शेप पे आइए। अगर आपसे रूटेड करना है तो आप यहाँ से जिस भी प्रकार का स्टाइल चाहिए आप उसको यहाँ से रूटेड कर सकते हो। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे अभी ये कम रूटेड नजर आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पर लाइए कर्सर, यहाँ से आप और इसको घुमा सकते हो, तो आप इसको जितना चाहो उतना रूटेड कर सकते हो। अब अगर आपको इसमें शेडो लगाना है, परछाई, तो यहाँ से आप परछाई भी लगा सकते हो। 3D इफेक्ट देना है तो यहाँ से आप 3D इफेक्ट भी दे सकते हो। तो आप यहाँ से इस वाटर मार्क में आप 3D इफेक्ट लगा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, आपको जिस भी प्रकार का यहाँ पर वाटर मार्क अप्लाई करना है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, और एक हर एक पेज में अलग अलग प्रकार का वाटर मार्क लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो इस वाटर मार्क को सेव करना है इसकी गैलरी में, तो आपको इस वाटर मार्क पे क्लिक करके रखना है, आपको पेज लेआउट में आना है और वाटर मार्क पे आना है। आप जैसे ही सेलेक्ट होगा तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव सिलेक्शन टू वाटर मार्क गैलरी, आप इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप इसका नाम दे दीजिए, तो यहाँ पर हम दे देते हैं इंस्टीट्यूट, तो आप इसको जैसे इंस्टीट्यूट नाम आपको जो भी देना है आप नाम दे दीजिए और ओके कर दीजिए। तो अब ये हमारा सेव हो चुका है, तो अब अगर आप वाटर मार्क पे आओगे तो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, आप इसको स्क्रोल कीजिए तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारा खुद का भी बन के सेव हो गया। तो आप इस प्रकार से इनका प्रयोग कर सकते हो। तो अब अगर आपको इसमें भी आपने जो भी बना रखा है, अब देख पा रहे हो अभी ये जो हमारा पेज है एक दूसरे से कनेक्ट है, अभी ये इंस्टीट्यूट वाला और ये वाला पेज हमारा एक दूसरे से कनेक्ट है, तो आप इसको भी सेक्शन ब्रेक कर दीजिए तो ये भी अलग हो जाएगा, आप इसमें भी अलग प्रकार का वाटर मार्क अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आपने सीखा कि आप किस प्रकार से अलग अलग पेज में वाटर मार्क अप्लाई कर सकते हो, और उसको किस प्रकार से इसकी गैलरी में सेव कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप इसी तरीके से हमारी नई नई वीडियोस देख पाएं सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।